हेलो नमस्कार दोस्तों, आज ये वीडियो में सीखोगे इन्फिनाइट प्रिंटर में लोगो कैसे बनाया जाता है। ये सारे चीज़ ये वीडियो में सीखने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। तो ये रहा लोगो, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा इन्फिनाइट प्रिंटर, इसके अंदर हम लोग ने लोगो बनाने वाले हैं। तो इसको थोड़ा जूम कर लिया हूँ, आपको सामने देख सकते हो। तो इसको फिलहाल हम लोग ने चार पांच लेयर बना लेते हैं। यहाँ पे बन रहा है, देख लीजिए। तो इसके बाद इसको ब्लैक करने वाले हैं। इसका जो बैकग्राउंड वाइट दिख रहा है उसको ब्लैक कर देंगे, ताकि हम लोग जो लोगो बनाने वाले हैं वो व्हाइट कलर में ही बनाने वाले हैं। ये व्हाइट ब्रश यूज करते हैं, तो इसके लिए मैंने उसको ब्लैक कर दिया हूँ। तो यहाँ से कलर व्हाइट ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर स्किन पर आ जाइए, फिर यहाँ पे ब्रश देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेन यहाँ पे ट्राइफेड इंकर कुछ टूल है, वो टूल ले लीजिए। तो इस पर सिंपल मैंने टैप कर दिया और स्किन पर आ चुका हूँ। तो इसको सिंपली क्या करते हैं, इसका जो साइज यहाँ पे 14 से 16 17 रख सकते हैं, तो मैं फिलहाल 16 रख लिया हूँ। तो ये सिंपली इस तरह बना लेनी है, थोड़ा सा प्रेस करके रखिए तो वो अच्छी शेप बन जाएगी। तो उसके बाद फिर नीचे से ऐसा स्क्रॉल डाउन करके ऊपर तक उठा के फिर प्रेस करके छोड़ दीजिए, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको 3-4 बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैंने लेने जा रहा हूँ ऐसा, थोड़ा सा ऊपर करके नीचे ऊपर कर लीजिए और प्रेस करके रख लीजिए, ताकि वो बराबर आ सके। तो ये एक फोटोग्राफी लोगो है, इसमें कैमरा है, लेंस है, और लेंस से ऊपर कुछ पंख ऐसा बैठ चुका है। तो इस तरह टाइप का ही लोगो है ये। तो आपको ये लोगो, अगर अच्छी लोगो ऐसा और अच्छे अच्छे लोगो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, पास में जो बेल आइकन उसको भी क्लिक करिए, ताकि नया नया मैं इस तरह जो डिजाइनिंग वगैरह अपलोड करता रहूँगा तो आप लोगों के पास से पहले ही पहुँच जाएगी। तो ये तो जिसमें मैंने ये क्रिएट किया हूँ, ये तो यूट्यूब में मिलेगा ही नहीं इस तरह इन्फिनाइट पे डिजाइन के अंदर, और हिंदी एक भी वीडियो नहीं मिलेगा ना, ये किस ऐप में बन पाएगा, मेडीबैंक में या तो ये अक्सर पेंट टूल करके जो भी एप्लीकेशन है उसमें ये सब चीज़ बन सकता है। बाकी पिक्सल लैब, पीएसटच, जो भी जितना वर्क एडिटिंग ऐप है उसमें नहीं बन सकता ये। तो ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अभी इसको थोड़ा सा मैं फिर से ऊपर लेके बराबर कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा कर लीजिए, और चाहे आप लोग को इंस्टॉल कर लीजिए इन्फिनाइट प्रिंटर, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, और थोड़ा ज़्यादा एमबी का एप्लीकेशन है, 55-53 एमबी का एप्लीकेशन है। तो ये लोगो लेने के लिए आप लोग को मैंने वीडियो के अंदर पासवर्ड शो किया हूँ, तो पासवर्ड एक एक करके देख लीजिए, और आप लोग को चाहिए तो डाउनलोड आराम से कर लीजिए। गूगल ड्राइव का मैंने लिंक दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी ये जो बना लिए हैं इसमें जो ब्लैक हिस्सा थोड़ा दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे फिल मार के जूम करके थोड़ा अच्छे से फिल कर दूँगी, ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये वीडियो लंबा होने का मकसद यही है कि आप लोग को मैं थोड़ा सिखाने वाला हूँ, तो आप लोग को इधर उधर PNG वगैरह में डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग को अच्छी तरीके से बना लो ना, उसमें आप लोग भी अच्छा HD क्वालिटी बनाने से क्या जाता है, आप लोग सिर्फ आना चाहिए। तो वो सीखने के लिए आप लोग को मेरे वीडियो को पूरा देखिए, मैं किस तरह बनाता हूँ, कैसा बनाता हूँ, तो आप लोग का भी हो जाएगा। ऐसा कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। तो ठीक है, तो इतना तो मैं इसको बना लिया हूँ, ये कम से कम करीबन 4 मिनट ले लिया है, तो ये तो लेगा ही, क्योंकि मैंने स्पीड करके मैं दिखा देता, मेरे को तो 5 मिनट लगेगा दिखाने में। 12-13 मिनट का वीडियो क्यों बनाता मैं, तो आप लोग कुछ सीखने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो यहाँ इतना अगर ये नहीं बन पा रहा है तो यहाँ से उंडो मार सकते हो,
तो फिर दोबारा उसको ऐसा लगा के कर दोगे, फिर बाद में फिल कर लेना। मैंने उसको फिल कर दिया हूँ, तो ऐसा आप भी फिल कर लेना है। और आँख भी बना लेनी है। देखो आँख बनाने में कितना कैसा टूल है, देखिए बहुत मस्त टूल है। तो उसको ऊपर करोगे ऊपर, नीचे करोगे नीचे, जैसा टूल चलाओगे ऐसा टूल चलेगा इसमें। तो ठीक है, तो नीचे वाला भाग कर लेते हैं, हो गया है। तो थोड़ा इसको अच्छी तरीके से फील कर लेते हैं जूम करके, क्योंकि जूम करने में बहुत टाइम लगेगा जूम करने के करके बनाने में। तो मैं फटाफट में कर लिया हूँ, तो देख सकते हो आप लोग भी। तो इस तरह से बन चुका है। तो इसको काम करते क्या करते हैं, टूल लेते हैं बेसिक जो ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, और इसको थोड़ा छोटा करके क्रश कर लीजिए, ताकि अपने को रेड वाला एक वेब बना नहीं है। तो यहाँ पे कलर हम लोग को चूज़ कर लेते हैं, यह अभी वाइट कलर फिलहाल है, तो थोड़ा जूम कर लिया हूँ। तो कलर मैंने ले लिया रेड, यहाँ पे रेड पर खींच के रख लीजिए, टैप करके छोड़ दीजिए। और पेन, पेन क्या चाहिए, तो वही पेन जो पेन यूज़ करते थे वही पेन। तो ये रेड आ चुकी है। तो अभी साइज़ देख लेते हैं, साइज़ कितना तक रखनी है। यहाँ साइज़ रख लिया हूँ, तो ऐसा खींच के छोड़ देनी है। फिर ये कि अभी रेड नहीं बनानी है, वाइट बनानी है। तो वाइट बनाने के लिए यहाँ से कलर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो रेड का कलर दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके वाइट रख लीजिए, वाइट कर लिया। फिर इसको क्या करते हैं, फिर से वही नीचे से ऊपर तक स्लाइड करके छोड़ देनी है। डबल प्रेस ज़रूर करना, क्योंकि वो अच्छी तरीके से शेप क्रिएट हो जाएगी। और उसको एक एक करके मैंने कॉपी कर लिया हूँ, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और दोस्तों के साथ साथ भी शेयर करना। आप लोग को अगर किसी लोग को ये लोगो चाहिए, तो आप लोग और दूसरे किसी टाइप का लोगो भी चाहिए आप लोग को मेरे को, और कमेंट करके कुछ बताओगे तो आप लोग को फ्री में मैं लोगो दे दूँगी। ये लगा नहीं, दूसरे कुछ भी लोगो आप लोग को अगर ऐसा लोगो चाहिए तो मैं बना के दे दूँगी। तो देखिए तीन मैंने वाइट ऐसा कॉपी करके बना लिया, और ऊपर नीचे नीचे कुछ दो टाइप डिज़ाइन बनानी है। देखो इस तरह पतली दो लाइन बनानी है, उसके बाद में उसको फिल कर देंगे। एक बन गया है और एक बाकी है, इस तरह खींच के छोड़ देनी है। फिर एक और नीचे थोड़ा स्लाइड करके ऊपर कर लेनी है। तो कुछ दोनों को मैंने फिल कर दूंगी, और उसके बाद कुछ नीचे और पंख बनानी है। देखो फिल कर दिया हूँ, और फिल करने के बाद इसमें जो फिर भी वाइट वाइट दिख रहा है, इसके लिए उसको टाइम लगेगा बनाने में। तो मैं थोड़ा जल्दी दिखाया हूँ, ताकि वीडियो ऐसे भी तो लंबा हो चुकी है। तो इसको थोड़ा ये वाले ब्रश सॉफ्ट पेन यूज़ करके उसको थोड़ा फिल कर लेनी है। तो फिल हो चुका है, तो फिर पेन अब हम लोग को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो कुछ इस तरह, तो इसको मैंने फटाफट बना लिया हूँ, उसको अच्छी तरीके से देखिए इस तरह बन गया है। इसको हार्ड ब्रश इरेज लेके इसको थोड़ा इरेज कर लेनी है, ताकि अच्छी तरीके से देख सकें। लगभग लगो 80% कंप्लीट हो चुकी है, और लेंस बाकी है, और कैमरा का दो कोनों बाकी है। वो तो कोई भी बना सकता है, कोई भी एप्लीकेशन बन जाएगा। तो चलिए उसको भी फटाफट बना लीजिए। तो यहाँ पे पेन मैंने कुछ दूसरा चेंज किया हूँ, यहाँ से साइज आपको तो जितना चाहिए उतना रख सकते हैं। थोड़ा सर्कल देनी है, और वो सर्कल थोड़ा पतली भी देनी है। उसको भी उस तरह बीच में रख के बाहर थोड़ा खींचने का, तो इस तरह कुछ बन जाएगा। तो इसको सेंटर में रख लीजिए। फिर उसके बाद
उसका जो दो कोनों का साइड वो बना लेते हैं फटाफट। तो लोगो तो लगभग बन चुका है। हाँ, इसका बीच में जो राउंड का सर्कल है उसके अंदर आप लोग का लोगो और फोटो लगा दोगे और बेहतरीन लगेगा लोगो। कुछ इस तरह बना लेनी है। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक अलग टाइप का इरेजर है इसमें। तो रिएक्ट मारिए तो सिलेक्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्कर्ल करके यहाँ तक सर्कल के साइड में ही रख के छोड़ देनी है। तो यहाँ पे नीचे जो देख रहे हो बहुत सारे टूल है, ऑल सिलेक्ट, इन्वरेंट, इसको थोड़ा स्लाइड करोगे यहाँ डिलीट ऑप्शन है, तो वो डिलीट मार दोगे तो वो कुछ भाग डिलीट कर देगा। फिर अपने को ये बीच वाला भाग जो सी टाइप का दिख रहा है उसका बीच वाला भाग को डिलीट करनी है, बाकी दो कोनों रखनी है, उसके बाद लोगो अपना कंप्लीट। फिर वही प्रोसेस, तो लोगों कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।